हेलो एवरीवन। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के ऊपर बात करूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है, देखो कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आया है, कुछ कह रहे हैं नहीं आया, कुछ कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा अगर आया है। मैंने बता रखा है कि कैसे चेकआउट करते हैं, लेकिन आप चेकआउट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों की जो है प्रोफाइल जो है वो अपडेट नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। मुझे कैसे पता चला ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो मेरी प्रीवियस वीडियो हैं वहाँ पे कमेंट है, और जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो ऑथेंटिक व्हाट्सएप ग्रुप है जो टीचर के द्वारा जो है चलाए जाते हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरी पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, मैं आगे बताऊँगा सारी चीज़ें कि किस किस का है। ठीक है, तो वहाँ पर टीचर कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आ चुका है, अब हम जा रहे हैं रिज़ल्ट चेकआउट करने हैं। जैसे आपने प्रोसीजर बताया, मैंने प्रोसीजर बता रखा है, तो वहाँ पे प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। प्रोफाइल आपको अपडेट करना कंपलसरी है, उसी के बाद वहाँ पे रिज़ल्ट आपका शो होगा। ठीक है, तो वो मैंने बता रखा है। मैं सारी वीडियो का लिंक जो है वो सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है, रिज़ल्ट कैसे चेकआउट करना है, सारी वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला तो मैंने आप लोगों को बता दिया एक साथ। यार अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि एक साथ इतने सारे लेवल पे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे हैं, इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई रिज़ल्ट आ चुका, रिज़ल्ट आ चुका। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो एक ही साथ कर रहे हैं, एक ही दिन कर रहे हैं, और वो भी शाम से अभी कर रहे हैं मेरे 7 बजे के बाद से। तो आ गया होगा रिज़ल्ट, ठीक है, क्योंकि उनके टीचर ने बताया। मेरे पास जितनी लॉगिन आईडी पासवर्ड है काफ़ी बच्चों की, मैंने खुद स्मार्ट पोर्टल पर गया हूँ, मैंने वहाँ चेकआउट करा है, लेकिन होता क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट मुझे भी नहीं पता लग सकता। पहला रीज़न ये है कि बच्चों की फ़र्स्ट सेमेस्टर की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई होती, तो मैं नहीं बता सकता कि उसका रिज़ल्ट आ गया। अगर आ भी गया होगा तो प्रोफाइल कल अपडेट होगी उसकी जाके कॉलेज के अंदर, कहीं उसकी जैसे ही प्रोफाइल अपडेट हुई थी तुरंत आपका रिज़ल्ट शो हो जाता है। ठीक है, तो प्रोफाइल अपडेट अभी नहीं हुई है फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट आ चुका है, बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत बच्चे कर रहे हैं कि हमारे टीचर ने कहा, हमारे टीचर ने कहा, तो आ गया है रिज़ल्ट। ठीक है, प्रोफाइल आप लोग अपडेट कर लो। अब एक क्वेरी आ रही है कि भैया हमारा प्रोफाइल भी अपडेट हो गई हमारी, हमने अब फॉर एग्जांपल आप लोग क्या पता कल परसों मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आप कहोगे मैंने कॉलेज जाके प्रोफाइल अपडेट करवा ली लेकिन अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं शो हो रहा, तो हो सकता है आपके कोर्स का ना आए हो। अब ये कैसे पता चलेगा ये मैं आपको कल बता दूँगा कि किन कोर्सेज़ का आ चुका है, क्योंकि देखो कल प्रोफाइल अपडेट होगी बच्चों की, तो कहीं मुझे भी जाके कल या परसों तक पता लगेगा शाम तक इवनिंग तक कि हाँ यहाँ इन इन कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो पहले आप लोग प्रोफाइल अपडेट करो। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, सभी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट एक साथ डिक्लेयर नहीं होता। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरा थर्ड ईयर कम्प्लीट हो चुका है, फाइनल हो चुका है मेरा। ठीक है, तो इतना मैं भी जानता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी भी रिज़ल्ट अपने एक साथ सेम टाइम पर डिक्लेयर नहीं करती है, कुछ कोर्सेज का पहले करती है, कुछ कोर्सेज का बाद में करती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट ऑफ डिक्लेयर रिजल्ट में मैं गया था वहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि ड्यू की वो वेबसाइट चलती नहीं है। हालांकि वो नई वेबसाइट है लेकिन वो बस ऐसे ही है, नॉर्मली है, वो चलती वलती कुछ नहीं है उसमें। अगर आज रिज़ल्ट आया होगा तो 15 दिन बाद बताएंगे कि हाँ रिज़ल्ट आ चुका था। ठीक है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना उस वेबसाइट को चेकआउट करने का। ठीक है, तो रिज़ल्ट आया है क्योंकि यार एक साथ सेम टाइम पे इतने बच्चे मैसेज तो करेंगे नहीं। ठीक है, उनके टीचर ने बताया तो भाई टीचर को पहले पता चल जाता है, ऑथेंटिक टीचर हैं, जब ऑथेंटिक हैं तो ठीक है आपका आ गया रिज़ल्ट। तो आप सबसे पहले आपके 3 काम हैं, पहला काम ये है आप लोग जाओ रिज़ल्ट पर, प्रोफाइल को अपनी अपडेट करो। दूसरा काम, आप जैसे ही कॉलेज जाते हो आपकी प्रोफाइल अपडेट हुई थी, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओगे आपकी प्रोफाइल अपडेट, वहाँ पर आपसे पूछेंगे। प्रोफाइल अपडेट में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो वो पूछेंगे आपके पेरेंट्स का नेम और ये जो आपने डिटेल दी है वो सही है, करेक्ट है या नहीं। आप जैसे ही कह दोगे करेक्ट है, वो बस वहाँ पे जो भी करते हैं, ठीक है, मुश्किल से 20 सेकंड का काम होता है, वो तुरंत क्लिक करेंगे और आपका जैसे ही वहाँ पे उन्होंने क्लिक करा आपका, यहाँ पे दोबारा से लॉग आउट करके लॉगिन करना, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। जनरेट पहले करना पड़ता है, जनरेट रिज़ल्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट हो जाता है शो। ठीक है, फिर आप डाउनलोड कर लेना। तीसरी चीज़ है, जो तीसरी है कि रिज़ल्ट मैंने डाउनलोड कर लिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ग्रेड सिस्टम होता है। यहाँ पे आप लोग ये समझो कि मार्क्स बता रहे हैं तो वो मार्क्स नहीं होते कि 52 ने, या क्योंकि आप लोग समझोगे कि 42-48 नेट ग्रेड, ये सब क्या है, ये नेट ग्रेड, CGRT, ठीक है, और F, ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी दे रखी है, वो रिज़ल्ट की वीडियो मैंने बता
ये रिजल्ट को कैसे समझे, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तीनों वीडियो आप जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो रिजल्ट आउट हो चुका है, सभी कोर्सेज का नहीं हुआ होगा। अब ये किन किन कोर्सेज का हुआ है तो ये भी मैं कल परसों तक बता पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी बच्चे जाएंगे प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि किन का रिजल्ट आया है, ठीक है। क्योंकि ड्यू कभी नहीं बताता अपनी वेबसाइट पर कि इन इन बच्चों का रिजल्ट आउट हो चुका है इन इन कोर्सेज का, वो वेबसाइट चलती नहीं है। बस ड्यू बस खाली अपना नाम का काम करता है, वो वेबसाइट हालांकि नई बनी हुई है लेकिन कुछ काम की नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ थी। और एक और मैं अपडेट दे दूँ, जब आप वीडियो देख रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर के जो फाइनल डेट शीट है वो आ चुकी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फाइनल डेट शीट नहीं मिल रही, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।